नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। दीपदान व्रत की भारतीय संस्कृति में विशेष महिमा है। ये व्रत कभी भी किसी भी दिन से शुरू किया जा सकता है। कहा जाता है कि अग्निदेव ने एक बार दीपदान के संबंध में महर्षि वशिष्ठ जी से कहा था कि दीपदान व्रत योग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य देव मंदिर अथवा ब्राह्मण के घर में एक वर्ष तक दीपदान करते हैं वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। चातुर्मास में दीपदान करने वाला श्री विष्णु भगवान के धाम, कार्तिक मास में दीपदान करने वाला स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेता है। यम के निमित्त धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पांचों दिन दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कहते हैं कि यमराज के निमित्त जहाँ दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। यमराज देवता के निमित्त धनतेरस से दीपावली तक दीपदान करने से नरक की यातनाओं से भी मुक्ति मिलती है एवं गृह में लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है तथा धन धान्य की समृद्धि बढ़ती है। ये सरलता से किया जाने वाला एक ऐसा वैदिक विधान है जो किसी यज्ञ से कम फल नहीं देता। पुराणों के अनुसार कार्तिक मास में पड़ने वाला दीपोत्सव पर्व दीपदान द्वारा विशेष फलदायी होता है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी अर्थात धनतेरस से दीपोत्सव या दीपदान का प्रारंभ होता है। सायंकाल में दक्षिण दिशा की तरफ मृत्यु के देवता यमराज के निमित्त दीपदान करने से मृत्यु भय का नाश होता है तथा अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस के दिन यम के लिए आटे का दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। इस दीप को यम दीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। रात को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डालकर नई रुई की बत्ती बनाकर चार बत्तियां जलाती हैं। दीपक की बत्ती दक्षिण दिशा की ओर होती है। जल, रोली, फूल, चावल, गुड़, नैवेद्य आदि सहित दीपक जलाकर स्त्रियां यम का पूजन करती हैं। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी को भी यमराज देवता के निमित्त दीपदान करना चाहिए। इस दिन शाम के समय सभी देवताओं का पूजन करके मंदिरों, रसोई घर, स्नान घर, देव वृक्ष जैसे पीपल, बरगद, तुलसी, केला, शमी वृक्ष के नीचे, सभा भवन, नदियों के किनारे, बगीचे, गृह की चहार दीवारी, गौशाला आदि प्रत्येक स्थानों में दीपदान करना चाहिए। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को ही हनुमान जयंती का विशेष पर्व मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में हनुमान जी का दर्शन पूजन कर नैवेद्य भोग अर्पण करने से तथा उनके निमित्त दीपदान करने से श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है एवं शत्रु बाधा, रोग बाधा, दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। दीपोत्सव का तीसरा दिन होता है दीपावली। इस दिन विशेष मुहूर्त में श्री गणेश, कलश, षोडश मातृका एवं नवग्रह पूजन सहित भगवती श्री लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इसी समय सायंकाल में दीप पूजन करके यमराज तथा पितृगण के निमित्त दीपदान किया जाता है। इसके बाद घर द्वार, व्यापारिक स्थल, मंदिर, बाग बगीचे, चौराहा आदि स्थानों पर एवं नदियों पर तैल पूर्ण प्रज्वलित दीपदान करना चाहिए। पावन पूज्य स्थान या तुलसी मंदिर आदि में घी के दीपक या तिल के तेल के दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। इस पर्व का चौथा दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला गोवर्धन पर्व है। इस दिन पवित्र होकर प्रातःकाल गोवर्धन तथा गोपेश भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और संध्या काल में उनके निमित्त दीपदान किया जाता है। दीपोत्सव पर्व का समापन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को होता है जिसे भैया दूज कहा जाता है तथा चित्रगुप्त की पूजा अर्चना भी की जाती है। भैया दूज अथवा यम द्वितीया को मृत्यु के देवता यमराज का पूजन कर दीपदान किया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई को घर पर निमंत्रित करती हैं और भोजन आदि सत्कार करती हैं। तो आप भी दीपदान करके पुण्य के भागी बन सकते हैं और अपने समस्त कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।